बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान, माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों हमने मैथ कौन सी स्टार्ट की है, मैथ 212 और उसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने स्टार्ट की हुई है और इसके हमने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर लिए। अब करें क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, आर द फॉलोइंग फंक्शन, हमें ये कुछ फंक्शन दे दिए गए, हमने ये बताना है इवन फंक्शन है, ओड फंक्शन है या नैदर। नैदर का मतलब क्या, कोई भी नहीं। इवन का मतलब क्या, हमारे पास जुफ्त। ओड का मतलब क्या है, ताक। हमने ये फंक्शन को जजमेंट करना है भी ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है या नैदर फंक्शन है। हमने ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है या नेदर फंक्शन है। बच्चों सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। अगर मैं एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करूं, दोबारा आंसर आ जाता है एफ ऑफ एक्स। मैं एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करूंगा, दोबारा आ जाए एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इज इवन फंक्शन। बच्चों वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इज इवन फंक्शन, वो एक इवन फंक्शन होगा। अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करूं तो आंसर आ जाए माइनस का एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इज ओड फंक्शन। बच्चों वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इज ओड फंक्शन कहलाएगा। अगर एक्स की प्लेस पर माइनस एक्स पुट करने से आंसर आ जाता है हमारा एफ ऑफ एक्स, वो इवन फंक्शन है। अगर x की प्लेस पर माइनस एक्स पुट करूं तो आंसर आ जाए माइनस का एफ ऑफ एक्स, तो वो हमारा फंक्शन कहलाएगा ओड। अगर इन दोनों कंडीशनों में से कोई कंडीशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, नेदर। नेदर का मतलब क्या, कोई भी नहीं। अब क्या करेंगे, हमने ये क्वेश्चन को चेक करना है ये इवन फंक्शन है या ओड है या नेदर है। हम क्या करेंगे, x की जगह पर पुट कर देंगे माइनस एक्स। बच्चों क्या करेंगे, x की जगह पर माइनस एक्स पुट कर देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, माइनस एक्स। फोर इसी तरह इस x की जगह पर माइनस एक्स, ऊपर पावर क्यूब, माइनस का 2 आ गया, इस x की जगह पर माइनस एक्स, प्लस का 6 आ गया, 4 आ गया, माइनस x का क्यूब ही आ जाएगा, क्योंकि पावर कौन सी आ गई, ओड। अगर ओड पावर आ जाए तो अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो 7 माइनस ही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x प्लस का 6, ये आ गया एफ माइनस का एक्स। अब माइनस क्या करेंगे, क्या हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स बन गया, हमारे पास एफ प्लस का 4x का क्यूब, माइनस कॉमन ले लेंगे। इवन तो नहीं है बच्चों, ये सेम फंक्शन नहीं आया, 4x की 3 माइनस का 2x है, यहाँ पर प्लस का 2x आ गया, मतलब दो टर्म सेम नहीं है, मतलब ये इवन नहीं है। अब ओड चेक कर लेंगे, ओड चेक करने के लिए यहां से माइनस लेना पड़ेगा कॉमन, क्या आ जाएगा, 4x का क्यूब माइनस का 2x माइनस का 6। अब ये दो टर्म तो सेम आ गई लेकिन ये टर्म सेम नहीं है, इसलिए ना ये क्वेश्चन इवन है और ना ही ये ओड है, ये कौन सा फंक्शन है, इज नेदर, इज नेदर फंक्शन है बच्चों हमारे पास, ये कौन सा फंक्शन आ गया, नेदर। इसी तरह बच्चों इसको चेक कर लेंगे, अब जहां x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स। जब भी वो कहेगा इवन फंक्शन मालूम करो, ओड फंक्शन मालूम करो, नेदर फंक्शन मालूम करो, तो हम क्या प्रोसीजर इख्तियार करेंगे, x की जगह पर माइनस एक्स पुट कर देंगे। देखो मैंने x की जगह पर क्या पुट किया, माइनस एक्स, इस फंक्शन के अंदर जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे, माइनस एक्स, इस x की जगह पर माइनस एक्स, इस x की जगह पर माइनस एक्स, ऊपर होल का स्केयर प्लस 1 आ गया, माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स का स्केयर, x का स्केयर ही आ जाएगा प्लस 1 f माइनस का x। बच्चों हमारे पास क्या ये f ऑफ x बन गया, नहीं, क्योंकि इसके साथ माइनस आ गई, इवन नहीं है। अब ओड चेक करेंगे, ओड के लिए हम माइनस ऊपर से कॉमन ले लें, माइनस कॉमन x प्लस एक्स स्केयर प्लस 1 f माइनस का x। अब देखो ये x प्लस एक्स स्केयर प्लस 1 किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर, किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। बच्चों देखो हमने क्या, अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो दोबारा आंसर आ जाए माइनस का एफ ऑफ एक्स, वो फंक्शन कौन सा कहलाएगा, ओड फंक्शन।
ये फंक्शन कौन सा आ गया, इज ओड फंक्शन। बच्चों कौन सा फंक्शन आ गया, इज ओड फंक्शन आ गया। ये था बच्चों जोज नंबर इसके वन और टू, अब करेंगे जोज नंबर थ्री। जोज नंबर थ्री, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स की फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का वन। हमने इसको चेक करना है ये इवन फंक्शन है या ओड है या नेदर। हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर पुट कर देंगे माइनस एक्स, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे माइनस एक्स। इस फंक्शन के अंदर जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट कर देंगे माइनस एक्स टू। इसी तरह इस एक्स की जगह पर माइनस एक्स ऊपर पावर फोर, इस एक्स की जगह माइनस एक्स ऊपर होल का स्क्वायर माइनस वन, टू एक्स की फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का वन, एफ माइनस एक्स। अब देखो बच्चों ये फंक्शन किसके बराबर है, टू एक्स की फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। बच्चों किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। बच्चों ये फंक्शन किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर। देखो मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया था, दोबारा आंसर कौन सा बन गया, एफ ऑफ एक्स। अगर एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करें तो आंसर आ जाए एफ ऑफ एक्स के बराबर। वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। बच्चों ये कौन सा फंक्शन आ गया, इज द इवन फंक्शन। बच्चों कौन सा फंक्शन आ गया, इज द इज इवन फंक्शन आ गया, एज द इवन फंक्शन। बच्चों एज कर लेंगे यहां पर, एज द इवन फंक्शन। वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इवन। अब जोज नंबर फोर, जोज नंबर फोर, f ऑफ x इज इक्वल टू x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस वन। हमने ये फंक्शन चेक करना है इवन है ओड है या नेदर है। हम क्या प्रोसीजर करेंगे, x की प्लेस पे पुट कर देंगे माइनस x, जहां जहां पर x है वहां पर क्या पुट करेंगे माइनस x, इस x की जगह पर माइनस x, इस x की जगह पर माइनस x, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया माइनस वन, माइनस x एक्स स्क्वायर माइनस का वन। अब देखो ये टर्म, ये इतनी वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। बच्चों एफ माइनस एक्स, बच्चों ये माइनस, इसी तरह एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट, ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के बराबर है। बच्चों किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर। अब देखो मैंने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो आंसर क्या आ गया, माइनस का एफ ऑफ एक्स। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, इज ओड का क्वेश्चन है। ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, एज द ओड फंक्शन। बच्चों ये कौन सा फंक्शन आ गया, और ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में जरूर याद रखना।